पुलिस वाले को ठोकने का अंजाम पता है क्या है? 21 साल जेल और ठुकाई अलग से। और इस पुलिस वाले ने अगर तुम्हें ठोका तो प्रमोशन अलग से और बहादुरी का मेडल भी। कौन है तू? जहां पहुंच गया वहीं रह, वरना कुत्ते की मौत मारा जाएगा। अगर तुझमें दम है तो तू अब मुझे रोक नहीं देगा। अंतिम का होने लगा सॉन्ग कैसे आपको रोमांस की दुनिया में ले जाएगा? आयुष शर्मा के साथ रोमांटिक सीन करने वाली लड़की है कौन और क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जैल। दोस्तों, फाइनली अंतिम द फाइनल ट्रूथ का गाना रिलीज हो चुका है। होने लगा एक रोमांटिक ट्रैक है, जुबीन नौटियाल ने इसे अपनी आवाज दी है। और जहां जुबीन और सलमान का संगम होता है वहां कोई म्यूजिक क्रिएट ही होता है। जुबीन नौटियाल ने सलमान खान की कई फिल्मों में गाने गाए और सबसे ज्यादा याद किया जाता है बजरंगी भाईजान, जो अपने सुरों का जादू बिखेरा था जुबीन नौटियाल ने। वाकई काबिले तारीफ था और इसमें भी वही जादू बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं। अगर जुबीन को रोमांस का बादशाह कह दिया जाए तो कहीं से कहीं तक गलत नहीं होगा। काफी रोमांटिक सॉन्ग और एक बार सुनेंगे तो बार बार सुनने का मन करेगा और आप भी रोमांटिक हो जाएंगे, ये तय है। आप गाने में देख सकते हैं काफी खूबसूरत नजर आ रहे हैं दोनों कपल। अगर बात करें आयुष शर्मा की, क्या बॉडी, क्या अंदाज, क्या लुक, क्या ही बताएं। और जो हीरोइन है उनकी भी तारीफें करनी बनती है। और आपने जब स्क्रीन पर इन्हें देखा होगा तो आपको कुछ याद आया होगा, कुछ पुरानी बातें याद आ गई होंगी। और अगर आप सीरियल देखते हैं तो वाकई आप भी हैरान रह गए होंगे कि जिस लड़की को हमने उस सीरियल में देखा था, जिस लड़की को सपने सुहाने लड़कपन में लड़कपन करते हुए देखा था, ये वही लड़की है जो आयुष शर्मा के साथ इतने रोमांटिक अंदाज में नजर आ रही है, यकीन कर पाना मुश्किल है। बहुत ही खूबसूरती से महिमा मकवाना इसमें रोमांस करती हुई नजर आ रही है और कहीं से लग नहीं रहा कि ये उनकी पहली फिल्म है। पहली फिल्म और सलमान खान जिस फिल्म में हो, आयुष शर्मा जिस फिल्म में हो, और जो दूरी तय की है महिमा ने छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक, वो काबिले तारीफ है दोस्तों। और काफ़ी सुंदर, काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रही है। गाने के बोल बहुत अच्छे हैं, जुबीन नौटियाल ने आवाज़ दी है और रवि दी और शब्बीर ने इसे कंपोज किया है, कोरियोग्राफ किया है शबीना खान और उमेश जाधव ने। फिल्म की रिलीज की बात करें तो इसी महीने 26 नवंबर को रिलीज होने वाली है। और एक बात ये भी कही जा रही है, जिस तरह से सूर्यवंशी रिलीज हुई इसी महीने और 100 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है, तो सल्लू भाईजान और अक्षय कुमार का एक मुकाबला भी देखने को मिल रहा है कि क्या सलमान की अंतिम सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल गाना आपको कैसा लगा, कैसे लगा महिमा और आयुष का रोमांस, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।